हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ ये गुलाब जामुन की रेसिपी। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगे, और अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है। तो चलिए देखिए मैंने किस तरीके से गुलाब जामुन बनाए हैं। तो यहाँ पर ये खोया ले रखा है मैंने, करीब खोया आधा किलो है, और चीनी एक किलो से थोड़ी बहुत ज़्यादा। मैंने सब कुछ अंदाज से लिया है, बर्तन के हिसाब से मैं आपको सबकी क्वान्टिटी बता रही हूँ। तो थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है। तो आधा किलो खोया है, करीब एक किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है चीनी। और यहाँ पर इलायची ले रखा है, और ये मैंने मैदा ले रखा है, करीब चार बड़े चम्मच है मैदा। और पानी लिया है चाशनी के लिए, तो अभी मैं चाशनी बना लेती हूँ। पहले चाशनी के लिए इसे गैस पर चढ़ा देती हूँ, ताकि मेरी जब तक मैं तैयारी करती रहूँगी तब तक मेरी चाशनी भी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये चीनी और पानी मैंने, चीनी जितनी है उसका दो गुना पानी लिया है। एक बड़ा कटोरा मेरा चीनी था, तो दो कटोरे में पानी इसमें ऐड करूँगी, और इसको गैस पर चढ़ा दूँगी ताकि ये मेरी चाशनी रेडी हो जाए। और अब मैं गुलाब जामुन बनाने की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पर ये खोया है मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, तो इसको ऐसे ही सीधे ग्रेट कर लूँगी इस तरीके इसको। और ये देखिए मैंने कद्दूकस कर लिया है इसको इस तरीके से। और अब इसमें मैंने जो मैदा लिया था वो ऐड करूँगी, और इलायची जितनी मैंने ली थी आधी इलायची इसमें डालूँगी, और आधी इलायची मैं चाशनी में ऐड करूँगी। इसमें डालने से गुलाब जामुन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसमें भी आप ज़रूर डालिए अगर इलायची का फ्लेवर पसंद है। और मुझे जहाँ तक लगता है सभी को इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता होगा। तो यहाँ पर ये देखिए चाशनी मेरी पक रही है, और काफ़ी खोल गई है, लेकिन इसको अभी और पकाऊंगी मैं। और जो ऊपर इसमें इसकी गंदगी है उसको मैं कलछी की मदद से ही इसको निकाल लूँगी। और यहाँ पर मैंने इसको, ये देखिए आटा जो खोया था उसका मैंने एकदम बढ़िया सा डो तैयार कर लिया है इसको मिक्स करके। और अभी इसी तरीके से मैं गोलियाँ बना लेती हूँ इसकी, सारी छोटी छोटी, आप अपने साइज़ के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं कही है, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं रखे हैं, तो बस ये मीडियम साइज़ के मैंने ये गोले बनाए हैं। आप अपने हिसाब से और बड़ा भी कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने सारे बना लिए हैं अभी, और अब मैं इसको तेल में फ्राई करूँगी। अब तेल रिफाइंड, मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है, तो मैं रिफाइंड ऑयल से ही ये सारे गुलाब जामुन को फ्राई करूँगी। तो चाशनी मेरी पक गई है, तो इसलिए मैंने गैस को कर दिया है ऑफ, और बाद में जब मैं अपने सारे फ्राई कर लूँगी उसके बाद फिर से मैं चाशनी को थोड़ा सा अच्छे से गर्म कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं अभी देखिए आप फ्राई कर लेती हूँ इसको, एक अच्छे से ब्राउन और मीडियम आंच पर इसको फ्राई करना है, ताकि जो हमारे गुलाब जामुन है एकदम अंदर से पक जाए, वरना क्या है कि अंदर से पकेंगे नहीं ऊपर से जल जाएंगे। तो ये देखिए मैंने सेक लिए हैं, मीडियम फ्लेम पे ही इसको सेका है, तो कितने बढ़िया गुलाब जामुन निकले हैं। चाशनी को दोबारा से गरम कर लिया था, और उसके बाद जितने भी मैंने गुलाब जामुन फ्राई किए हैं उन सबको मैं इसी में रख दूँगी। और ये खोए का बना है, तो ये बहुत जल्दी सॉफ्ट भी हो जाती है अगर आप गरम चाशनी में डालेंगे, तो करीब 10-15 मिनट में आराम से खाने के लायक भी हो जाते हैं। तो ये देखिए मेरे गुलाब जामुन बन के रेडी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।